नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ है प्रिया और प्रिया के मन में है कई सारे सवाल, कोर्ट मैरिज करना चाहती हैं, आई हैं इंक्वायरी करने के लिए। तो प्रिया, आप चाहती हैं कि हम आपका वीडियो शूट करें? यस सर। ओके, ऐसा क्यों चाहती हैं कि हम वीडियो शूट करें? क्योंकि सर हमारी यूथ को भी तो पता चलना चाहिए कि कोर्ट मैरिज कैसे करना है। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आपके सवाल अलग हैं क्या? हाँ सर, मेरे सवाल अलग हैं। ओके ओके, तो बताइए, आपके पेरेंट्स जानते हैं आपकी, आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हो? नो सर, मेरे पेरेंट्स नहीं जानते। ठीक है, और आपके पार्टनर भी आए हैं? नो सर, मेरे पार्टनर भी नहीं आए। ठीक है ठीक है, तो कब से जानते हो आप एक दूसरे को? सर हमें 7 साल हो गए। 7 years हो गए हैं? यस सर। ओके ओके, ग्रेट। हम स्कूल टाइम में थे, एक्चुअली हम 12th क्लास में थे और साथ में हम थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। पहले तो हम फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर एक दूसरे को पसंद करने लगे। ओके। और फिर हमने बहुत सारे एक दूसरे के साथ हमने बहुत अच्छे वक्त भी गुजारे। ठीक है। और फिर हमें ऐसा लगा कि हम दोनों को एक साथ होना चाहिए। ओके। और हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। राइट, तो आप कहाँ रहती हैं? सर मैं लखनऊ में रहती हूँ। और आपके पार्टनर? सर वो भी लखनऊ के हैं। दोनों लोग लखनऊ के रहने? हाँ जी, करेक्ट। और क्या करते हो आप? सर मैं एक MNC कंपनी में जॉब करती हूँ। ओके, और आपके पार्टनर? सर वो भी MNC कंपनी में ही है। राइट, ठीक है। तो बताइए क्या डिफिकल्टी है, जैसे मान लो अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है, दोनों बालिग हैं। हाँ जी। मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स को भी देखे हैं, आपकी एज पूरी हो चुकी है, आप लोग जॉब भी कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो क्या ऐसा है जो आप पूछना चाहते हो? सर एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है और मुझे इस बात का बहुत डर है कि अगर मैं अपने फैमिली को बताती हूँ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में तो कभी नहीं मानेंगे और मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। हाँ। और मुझे उससे मिलने का मौका भी नहीं देंगे। ओके। और ना ही मुझे भागने का मौका देंगे। ओके। तो इसलिए मैं नहीं बताना चाहती और मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ हो। इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला है और उसमें मैंने बताया है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हैं तो कौन से 7 steps आपको उठाने चाहिए, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और पेरेंट्स को बिल्कुल ही पता ना हो कि आपको कोर्ट मैरिज करना है और अचानक से आपने कोर्ट मैरिज करके उनको सरप्राइज दे दिया, तो सदमे की स्थिति में वो जा सकते हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन तो ये होता है कि आप डायरेक्टली भले ना बताओ, लेकिन हिंट दो, उनको थोड़ा आइडिया लगना चाहिए कि आप किसी को पसंद करते हो और आपकी इच्छा है कि पेरेंट्स मान जाएं तो कोर्ट मैरिज करना है मुझे। इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या करना चाहिए और वो बेटर रहता है। बट ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। हमने देखा है कि कई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि सही में अगर बच्चों ने बता दिया कि मुझे शादी करनी है तो वो तो मतलब बिल्कुल ही आपके जो है इंडिपेंडेंस को छीन लेंगे वो पूरी तरह से जो है आपको। तो ये सही है कि मतलब आपका डिसीजन है, बट एनीवेज अगर आप कब तक करना चाहते हो कोर्ट मैरिज? सर हम इसी मंथ में करना चाहते हैं। उसके बाद का क्या प्लान है? उसके बाद का सर हम लखनऊ छोड़ के कहीं और शिफ्ट होंगे। अभी जॉब आप लखनऊ में कर रहे हैं? हाँ जी सर। तो केवल इंक्वायरी करने के लिए आप दिल्ली आए हो? यस सर, मुझे इंक्वायरी करने के लिए नहीं आई हूँ। इंक्वायरी करने के लिए हाँ बेसिकली बोल सकते हो कि मैं इंक्वायरी करने के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे मैंने आपका लीड इंडिया चैनल मैंने देखा, सर्च किया, तो मुझे ये थोड़ा ट्रस्टेड लगा। Okay. तो मैं इतनी दूर से मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जेन्युइन चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैंने और लोगों के और कपल्स के भी रिव्यूज़ देखे, मैंने बात भी किया, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पे हो सकता है। ओके। तो इसलिए मैं यहाँ पे इंक्वायरी के लिए और अपनी बुकिंग कंफर्म करने के लिए आई हूँ सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। आप क्या अलग सवाल पूछना चाहते हैं? सर, सवाल आपके क्या है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हमने कोर्ट मैरिज किया और मेरी फैमिली को पता चल जाता है और मेरी फैमिली मेरे खिलाफ है और अगर वो मेरे हस्बैंड को मारती है पीटती है तो उसके लिए फिर सर हम क्या कर सकते हैं? देखो, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, जो लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं उनको 3 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी होता है। पहला चीज़ कि आप में प्यार हो तब आप कोर्ट मैरिज करो, आप में हिम्मत हो तब कोर्ट मैरिज करो, और एक अच्छा लॉयर हो तब कोर्ट मैरिज करो। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तभी आपको कोर्ट मैरिज करना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है।
अगर आप में हिम्मत ही नहीं है, जैसे अगर आपके पार्टनर में, अगर मान कई बार लड़के तो ऐसे होते हैं कि कोर्ट मैरिज कर लिया लेकिन बाद में अगर थोड़ा सा पुलिस को फेस करना पड़े और घर वालों को फेस करना पड़े तो लड़की को आगे कर देते हैं। अगर आप लीड इंडिया के माध्यम से कोर्ट मैरिज करते हो तो हमारे पास हमारे लॉयर हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको टेलीफोनिक जितना सपोर्ट हो सकता है देंगे, जरूरी है साथ में सपोर्ट देने की तो साथ में रह के भी सपोर्ट देंगे, मैरिज से पहले और मैरिज के बाद भी सभी तरह के सपोर्ट दिए जाते हैं, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। और कोई ऐसा नहीं करता कि मार पिटे, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं करेगा कि मार पिटाई करने लगे, अगर करेंगे तो लॉ है, लॉ के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। और जो जो भी हम प्रोसेस कराएंगे, जैसे आपकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो गया, इंटीमेशन लेटर भेज दिया, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करा दिया, इन सभी चीज़ों को कराने के बाद से बिल्कुल ये गुंजाइश खत्म हो जाती है कि कानूनी रूप से आपके पेरेंट्स आपको थोड़ा भी हार्म कर पाए। और अगर करेंगे तो आप फ़ोन करिएगा, मेरा पर्सनल नंबर भी आपको मिलता है, सर्विस टीम का नंबर रहता है, हेल्पलाइन नंबर रहता है, किसी पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। सर, हमारी शादी की जो प्रोसेस है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी? कहाँ से करना चाहते हो? क्या दिल्ली एनसीआर से करना चाहते हो? गाजियाबाद से करोगे? सेम डे में हो जाएगा? सर हमें जल्दी से जल्दी करनी है, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल भी खबर चला गया कि मैं शादी कर रही हूँ या मैं इसके साथ भाग गई, तो मेरे को गाजियाबाद से कर लो, गाजियाबाद से सेम डे में हो जाएगा, लखनऊ से भी हो जाता है बट गाजियाबाद में बेटर है, गाजियाबाद में सेम डे में हो जाएगा। आप 10 बजे पहुंचोगे, 2-3 बजे तक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ऑनलाइन चेक कर सकते हो, पूरी तरह से आपकी मैरिज लीगल वैलिड होगी। सर मेरे जो होने वाले सास ससुर हैं, वो मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। मुझे मेरे अपने ससुराल से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे मेरी फैमिली से प्रॉब्लम है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फैमिली वाले ऐसा करेंगे ही करेंगे, क्या मेरे हस्बैंड को ब्लैकमेल करेंगे, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा डर है कि वो मुझे पकड़ के वो अपने वापस अपने पास। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे जब भी हम कोर्ट मैरिज को लेके सोचते हैं या घर में चर्चा होता है, बातचीत होती है, पेरेंट्स भी एक्सप्रेस करते हैं कोर्ट मैरिज को उनके क्या थॉट है, तो वो बच्चों को बहुत एक्सट्रीम लेवल तक डराने की कोशिश करते हैं कि कोई हिम्मत ही ना करे कि कोर्ट मैरिज करने जैसी बात भी ना सोचे। लेकिन जैसे आप हो, अगर आप कोर्ट मैरिज करते हो तो आपको अपने पेरेंट्स से रिश्ता खत्म तो नहीं करना, नहीं। कि हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर लिया। आप शादी करो, शादी करने के लिए जो भी लीगल स्टेप्स हैं वो लो, पेरेंट्स के खिलाफ कुछ भी मत बोलो, पेरेंट्स के खिलाफ कोई एक्शन मत लो, ठीक है? जरूरत नहीं है पेरेंट्स के खिलाफ एक्शन लेने की। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कई लोग कहते हैं कि पेरेंट्स के खिलाफ ये स्टेटमेंट दे दो, कुछ भी उल्टा सीधा समझाते रहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर कभी आपके पेरेंट्स ऐसा करेंगे, बाद में अगर ऐसा करेंगे, तो आप पुलिस के पास जा सकते हो, एसपी ऑफिस जा सकते हो, और वहां पे जाकर के आप मैरिज का सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। आपके हस्बैंड को, होने वाले हस्बैंड को, आपके होने वाले सास ससुर को बिल्कुल भी वो टच नहीं कर सकते और परेशान नहीं कर सकते। अगर फिर भी मतलब पढ़े लिखे, मेरे ख्याल से आपके फादर भी पढ़े लिखे होंगे, हाँ जी, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम। मैंने बहुत लंबे समय से, तकरीबन 10 साल के अंदर नहीं सुना है, हमारे पास जितने लोग आए हैं उनकी गारंटी ले सकता हूं मैं, कि आए हों और पेरेंट्स ने ऐसा कुछ कर दिया हो कि बात जान पे आ गई या कुछ। देखो, गुस्से में एक आध थप्पड़ कोई मार दे, ये हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा जो कि फिल्मों में दिखाया जाता है वो सब नहीं होता। प्रिया, एक बात बताओ, मैं आपसे, जैसे आप इतना कॉन्फिडेंट लग रही हो और कि भाई कॉन्फिडेंटली सोच भी रही हो कि आपको शादी करनी है, अकेले आई हो, लखनऊ से आई हो, बुकिंग कराने के लिए आई हो, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि घर से भाग करके शादी करना गलत है? सर मुझे लगता तो है, लेकिन सर कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप ये चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि वो सच में अच्छा लड़का है और मेरी लाइफ उसके साथ अच्छी हो सकती है। आप दोनों का कास्ट सेम है या अलग? नो सर, हम अलग अलग कास्ट के हैं। अलग अलग कास्ट, तो कास्ट की वजह से इशू है? हाँ सर। ओके, हाँ सर, मेरी फैमिली बहुत ज्यादा ये कास्ट वास्ट मानती है और वो इसलिए मुझे ये सब चीजों के लिए अलाउ नहीं कर रही है। और मैंने आपको जैसा बताया था कि मेरी फैमिली बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, वो कभी नहीं मानेंगे। आप मेरे ऑडियंस के लिए आप ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको लगता है कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा है,
सर क्योंकि मुझे मतलब एज ए जनरल देखो जो प्यार करते हैं और जो प्यार में होते हैं उनकी दुनिया ही अलग होती है, वो तो प्यार के अलावा कुछ देख ही नहीं सकते, है ना। तो उनको क्या मालूम है कि क्या व्यवहारिक चीजें होती हैं, प्रैक्टिकल चीजें क्या होती है, वो तो सोच ही नहीं सकते ना उसके बारे में। आप सहमत हैं इस बात से? सर मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी हम जरूरी नहीं है कि हमेशा माँ बाप सही हो। हाँ। कभी माँ बाप भी गलत हो सकते बिल्कुल, हैं बिल्कुल, और कभी बच्चे भी सही हो सकते हैं और बच्चे भी गलत हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बच्चे सही हैं और माँ बाप गलत हैं। अभी आपको लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है। ओके। और मुझे अपने हस्बैंड के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और मेरी हर तकलीफ में वो मेरी हर चीज़ों में मेरा साथ दिया। ठीक है। इवन उसने मेरे को पढ़ाई और लिखाई और जितने भी मेरी जो भी मेरी पढ़ाई थी, जो भी मैं बनना चाहती थी, मैं यहाँ MNC कंपनी में जॉब करना चाहती थी, उस लड़की ने मेरी हेल्प की। ठीक है। उसने मुझे गाइडेंस दिया। अलाउ भी तो किया ना लखनऊ से बाहर जाके करने के लिए? हाँ, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, वो पढ़ाई लिखाई में हमेशा से मेरे को आगे रखे कि नहीं तुम पढ़ो लिखो आगे अच्छा करो। लेकिन मेरे माँ बाप को ये पसंद नहीं कि मैं किसी लड़के से या कोई लड़का फ्रेंड से मैं बात कर सकूं। okay. या कभी कुछ ऐसा मैं कर सकूं किसी के बारे में, मैं अपने घर पे बात भी नहीं कर सकती हूँ कि मेरा कोई फ्रेंड है, ऐसा मैं नहीं कर सकती। इवन okay. मैं लड़कियों के बारे में भी बहुत लिमिटेड लोगों से ही मैं अपने घर पे डिस्कशन करती हूँ कि हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स है बस, क्योंकि मेरी फैमिली ऐसी है ना कि वो मेरी फ्रेंड लोगों को कॉल करके वो थोड़ा परेशान करने लगते हैं कि वो कहाँ है क्या कर रही है, तो इससे ना मेरे को प्रॉब्लम हो जाती थी, कई मेरे दोस्त ना बन नहीं पाते थे कि इसके मम्मी पापा परेशान करते हैं, तो इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे एक चीज़ बताइए कि इसी वजह से आपको कोई एक व्यक्ति मिल गया जिसने आपको थोड़ी आज़ादी दे दी, थोड़ा फ्रीडम दे दिया, थोड़ा आपको जो है बड़े प्यार से पेश आ गया और उसकी वजह से आप उसकी फैन हो गई, उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे? सर फैन की बात नहीं है, सर फैन की बात ही नहीं है, उसने मेरा हर टाइम साथ दिया। ओके। हर टाइम लाइक मेरी जब तबीयत खराब हुई तब भी दिया, फाइनेंशियली मुझे कभी दिक्कत हुई तब भी दिया, जब मैं स्टूडेंट थी। पेरेंट्स ने भी ऐसे हैं, पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं? करते हैं सर पेरेंट्स भी, लेकिन वो भी फाइनेंशियली सपोर्ट, बट लाइक पेरेंट्स के बाद एक हस्बैंड होता है ना, तो लाइक उसने हस्बैंड वाला रोल प्ले किया। हाँ, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यही है वो। ठीक है, जिसको मतलब मेरे को इसके साथ रहना है। ओके। तो एक चीज और मुझे बताओ कि जैसे मान लो कि आप जो है आप शादी करो और आपको इतना फेथ है कि वो बिल्कुल सही इंसान होगा, सब कुछ सही होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि शादी के बाद से जो पेरेंट्स हैं उनकी ज़रूरतें ख़त्म हो जाती हैं? पेरेंट्स की ज़रूरतें तो होती हैं सर, होती है। मैं अपने पेरेंट्स को कभी नहीं छोड़ूंगी। ओके। चाहे वो मुझसे बात ना करे। हाँ। ठीक है, लेकिन हाँ। फिर भी मैं उनसे कोशिश करूंगी बात करने की। ओके। मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। ओके। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपने हस्बैंड के लिए उनको छोड़ दूंगी। ठीक है। मैं ये कभी नहीं कह रही। ठीक है, ठीक है। और ना मैं ये करूंगी कभी। ओके, ओके। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ में भी अच्छे से बना के रखना चाहते हो और जो आपकी पसंद है उनसे भी शादी करना चाहते हो? हाँ जी। ठीक है। और शादी के तुरंत बाद आपको साथ में रहना है या अलग अलग रहना है? नो सर, हम साथ में रहेंगे। ओके। तो शादी के तुरंत बाद आप अपने घर वालों को बताओगे? हाँ। और उसके बाद से साथ में रहोगे? हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे उम्मीद है कि आप बुकिंग कराएंगे। हाँ सर बिल्कुल। हाँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप बुकिंग जैसे आप करा लेंगी बहुत स्मूथली आपका मैरिज हो जाएगा। और हम लोग ये जरूर चेक करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी कपल आ रहे हैं तो हम एक काउंसलिंग उनको प्रोवाइड करें और उनको ये समझाने की कोशिश करें कि आप कोर्ट मैरिज अगर कर रहे हो तो आप सोच समझ के करो, ऐसा नहीं कि बस प्यार हो गया शादी करनी है ना, और बस शादी कर लिया। सोच समझ के करो कि आगे लाइफ को चलाना भी तो है ना। उम्मीद है कि आप कॉन्फिडेंट हैं इसके लिए। यस सर, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ। ओके। और मुझे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे कि आपके जितने भी ऑडियंस हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि या लीड इंडिया ऐसी
फर्म है जहाँ पे आप बिना किसी चीज़ के आप बाहर जाओगे। मैंने और दो तीन वकीलों से बात किया था सर, टू बी ऑनेस्ट, आपसे पहले मैंने और दो तीन वकीलों से बात किया, बट उसने मेरे को वो चीज़ें ना बहुत ही गलत तरीके से बताई। और मैंने गूगल पे सर्च किया इस चीज़ों के बारे में कि क्या ये सब सही है, बट सारी चीज़ें मुझे फेक लगी उसकी बातें। फिर मैंने आपका चैनल देखा, मैंने आपकी चीज़ें देखी, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये चीज़ें सच है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। थैंक यू सो मच कि आपको इतना अच्छा लगा और आप आई, बात आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।